हेलो भाइयों, कैसे आप सब। आज का हमारा वीडियो है द ऑल न्यू सुजुकी बलिनो 2022 जेटा वेरिएंट के बारे में। आप ये इसका सिल्वर कलर देख रहे हैं। अगर हम गाड़ी के फ्रंट लुक्स की बात करते हैं तो फ्रंट से गाड़ी देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम और स्टाइलिश नज़र आती है। सबसे पहले अगर हम गाड़ी के हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फुली LED सेटअप देखने को मिलता है विद LED प्रोजेक्टर। जो आपका इंडिकेटर वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोई भी फॉग लाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिलेगी जो कि इसके लुक को काफ़ी एनहांस कर देती है। आप यहाँ पे बड़ा साइज का ग्रिल देख सकते हैं जो कि आपका क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वो आपको इसके हायर वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे ओवरऑल गाड़ी की लुक्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में टायर सेक्शन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 195/55 R16 inches का यहाँ पे टायर देखने को मिलेगा जो कि आपका अपोलो का टायर है। इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। जो गाड़ी का टॉप मॉडल है उसमें आपको यहाँ पे डुअल कलर अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें अगर हम ओवर व्हील्स की बात करते हैं तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको उन्हीं पे देखने को मिलती है जो कि आपका बॉडी कलर है। इसमें आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती, वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको इसमें क्रोम गार्निश और क्रोम डोर हैंडल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो जो आपको गाड़ी की लेंथ देखने को मिलेगी 3990 mm और जो गाड़ी का कर्व वेट है 945 kg। अगर हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो आपको 170 mm गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपको इसमें 37 लीटर का बड़ा सा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। अगर हम गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो सेफ्टी के लिए आपको गाड़ी में 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको इसमें 40 सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके रियर टेल लाइट की बात करते हैं तो आपको फुल्ली LED टेल लाइट का यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। रियर बम्पर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर और पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एक बड़ी सी क्रोम की पट्टी देखने को मिलेगी जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती है। सेंटर में आपको इसमें गाड़ी में कैमरे की प्लेसमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर हम उसके ऊपर की बात करते हैं तो आपको इसमें वाइपर, डिक फोगर और वॉशर की प्लेसमेंट भी देखने को यहाँ पे मिलती है। रूफ की अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सार्क फिन एंटेना का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल एंटेना आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। अगर हम गाड़ी के ब्रेकिंग फीचर्स की बात करते हैं तो ब्रेकिंग के लिए आपको गाड़ी में ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आपकी गाड़ी के ब्रेकिंग पावर को एनहांस कर देते हैं। अगर हम गाड़ी के ड्राइवर साइड विंडो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री का स्विच देखने को मिलता है जो कि आपका काफ़ी यूजफुल फीचर होता है गाड़ी में। अगर हम इसके विंडो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फुल ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है। गाड़ी का जो ये वाला पार्ट आपको लेदर सॉफ्ट टच फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है। जो आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ORVM फोल्डेबल के कंट्रोल, ये आपका ग्लोस ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आता है। और जिसका डोर ओपनर वो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बोतल होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। आप ओवरऑल गाड़ी की सीटों को यहाँ पे लुक चेक कर सकते हैं। आपको ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी के अंदर के फीचर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी में यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट एडजस्टेबल के यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलते हैं। अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे डिकट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है जो कि आपका स्विफ्ट से इंस्पायर है बिल्कुल। इसमें आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे इस मॉडल में कोई भी क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। लेफ्ट साइड आपको वॉल्यूम अप डाउन की है। अगर हम इसके नीचे की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉल उठाने काटने के ऐसे भी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो आपको यहाँ पे टैकोमीटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसी में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपका ट्रिप मीटर, ये सभी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क्लॉक वगैरह से भी यहाँ पे फीचर आपको दिए गए हैं। वहीं पे उसी के साथ साथ अगर हम इसके टच स्क्रीन की बात करते हैं तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले फीचर के साथ टच स्क्रीन देखने को मिलता है। इसी में आपको फ्यूल टू एम्प्टी, एवरेज, माइलेज, ये सभी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो गाड़ी का ARVM नॉर्मल देखने को आपको मिलता है डे नाइट वाला, इसमें आपको ऑटो डिमिंग का फंक्शन देखने को नहीं मिलता। जो आपका टॉप मॉडल में आता है गाड़ी में जो टच स्क्रीन, उसके सराउंडिंग आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ देखने को मिलता है। इस मॉडल में आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग का यूज़ दिया गया है। इसमें आपको देख लो AC वेंट्स का डिज़ाइन भी मैट फिनिशिंग के साथ ही आता है। AC वेंट्स के कंट्रोल आपको बेस्ट टॉप मॉडल से ही देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलता है जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर होता है। उसके नीचे की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह
USB चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। उसी के साथ साथ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है कप होल्डर। अगर हम इसके गियर नॉब की बात करते हैं तो आपको ग्लोस ब्लैक फिनिशिंग के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ है। अगर हम इसके की बात करते हैं तो सुजुकी टिपिकल आपको यहाँ पे की देखने को मिलती है। इसमें आपको लॉक अनलॉक ये फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गाड़ी के अगर हम आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो आपको स्मॉल देखने को मिलता है, आप अपना पर्स आराम से इसमें रख सकते हैं। लेदर फिनिशिंग के साथ आता है और आपको इसमें एडजस्टेबल फीचर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे ऑल ओवर द इंटीरियर का लुक चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी प्रीमियम गाड़ी का इंटीरियर देखने को इसमें मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी हेड अप डिस्प्ले वगैरह फीचर देखने को नहीं मिलते, वैसे भी आपको यहाँ पे टॉप मॉडल में ऑफर किए गए हैं। को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पे लाइटिंग की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। और अगर हम गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे इसमें लाइटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। तो चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है मेरी हाइट 5'10" है, मैंने ड्राइवर साइड सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। तो चलिए अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और आपको पीछे के चल के गाड़ी के स्पेस और कम्फर्ट के बारे में यहाँ पे बताते हैं। अगर हम गाड़ी के रियर विंडो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पावर विंडो है, कंट्रोल सर, आपको बोतल होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पार्ट आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ देखने को मिलता है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसके कंफर्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर आप स्पेसिंग चेक कर सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा गाड़ी में स्पेस यहाँ पे मिलता है। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सेंटर में आपको यहाँ पे एसी वेंट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे 2 USB पोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जो आपका फ्लोर है वो आपको यहाँ पे फ्लैट देखने को नहीं मिलता, मिडिल पैसेंजर को बैठने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रियर में आपको इसमें पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम इसके नीचे की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के पॉइंट भी यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको इस वेरियंट में कोई भी आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती। और आप देख सकते हैं इसमें सेंटर में भी लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी येलो लाइट के साथ आती है। आपको गाड़ी में यहाँ पे 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी के नज़रिए से काफ़ी अच्छा। आप यहाँ पे एयरबैग की वेजिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए अब गाड़ी के रियर में चलते हैं और रियर में चल के आपको गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में बताते हैं। अगर हम गाड़ी के बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 317 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। नाइट में बूट एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे लैंप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। आप देख लो, आपको येलो लाइट का फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट का भी फीचर दिया गया है। अगर हम गाड़ी के स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 185/65 R15 inches का आपको यहाँ पे स्टील व्हील देखने को मिलता है। चलिए अब गाड़ी के बूट को क्लोज करते हैं और आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में बताते हैं। अगर हम गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वाल BS6 इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 88 BHP की। और जो आपको टॉर्क देखने को मिलता है 113 Nm का। वहीं पे अगर हम गाड़ी की माइलेज की बात करें तो आपको यहाँ पे 22 KMPL की माइलेज देखने को मिलती है। जो गाड़ी की ड्राइविंग रेंज है आपको 827 किलोमीटर यहाँ पे ड्राइविंग रेंज देखने को मिल जाती है। उसी के साथ आपको यहाँ पे इंसुलेशन का भी सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आपकी गाड़ी के इंजन नॉइस को बाहर नहीं आने देता। अगर हम गाड़ी के ऑन रोड प्राइस पानीपत की बात करते हैं तो आपको गाड़ी 9.5 लाख रुपये की यहाँ पे मिल जाएगी। अगर किसी भाई को गाड़ी खरीदनी है तो आप पानीपत के शोरूम में विजिट कर सकते हैं। और अगर हम गाड़ी के कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको गाड़ी टोटल 6 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगी। तो भाई यहीं तक था हमारे बलिनो जेटा 2022 मॉडल का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका वीडियो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।